हाँ तो जो मतलब मैंने आज अभी यहाँ दादा साहब कर्मल दादा साहब गायकवाड़ हम लोग खेल में बैठे बैठे मैंने आधा घंटा तक ज्वाइंट सीपी विश्वास नांगरी पाटिल जी हमारे इस एरिया के डीडीसीपी और पुलिस थाने के सीनियर मिस्टर ठाकुर साहब तो इन तीनों से मैंने बात की है और उनको सुरक्षा देने के बारे में उनको बोला है और जल्दी जल्दी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पायल पर अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी जांच करके अनुराग कश्यप जी को जल्दी से अरेस्ट करना चाहिए। इसी तरह की हमने मांग की है। अभी पायल घोष आपके सामने बोलेगी, बाद में जो भी सवाल आपको पूछना है उसको पूछना है, मुझे पूछना है, हम जवाब देंगे। हाँ ठीक है पायल घोष। नमस्कार, अब मैं आपको सबको पता है कि मैं मेरे साथ क्या हुआ है, बार बार मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने अपनी इज्जत दांव पे लगा के अपना करियर दांव पे लगा के आप सबके सामने आई हूँ और ये बात बोली हूँ ताकि सिर्फ मेरे साथ जो हुआ वो तो हुआ है लेकिन और किसी के साथ ऐसा ना हो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी के साथ भी ऐसा होता है कि डर के मैं जैसे डर गई थी, आप लोग डरो मत, सामने आओ बोलो और इसका प्रतिवाद करो और आगे बोलो, अपना जो हक है वो जरूर लेना। थैंक टू रामदास अथवेले जी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। मेरे लॉयर है, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आज मुझे मैं जो साहस जुटा के आपके सामने बोल रही हूँ, ये साहस हर लड़की के साथ अंदर होना चाहिए और वो साहस लेके आपके साथ कुछ भी गलत होता है उसके लिए आवाज़ उठाओ और सामने आओ, डर के मत बैठे रहो। मेरा एक रिक्वेस्ट है प्लीज। और नहीं, आपने बोला है कि हम आपके पीछे खड़े हुए हैं, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि आपके कारण हम बड़े हुए हैं, तो हम भी बड़े आपके कारण ही हुए हैं। और जो सवाल जिसको पूछना है मुझे या पायल को आप पूछिए। अरे नहीं, डेडलाइन तो अभी 7 दिन हो रहे हैं, तो ऐसे केस में महिलाओं का ज्यादा सुनने का कानून है। अगर कोई महिला बोलती है हाँ तो गिरफ्तार कब हो गए पुलिस को मालूम है, लेकिन जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए हमारी मांग है। कितने दिनों का दे रहे हो आप लोग पुलिस को एक्शन लेने के लिए? व्हाट इज द अल्टीमेटम यू आर गिविंग टू ऑफिसर? अल्टीमेटम वी आर गिविंग द अल्टीमेटम विदिन 7 डे इफ द पुलिस विल अरेस्ट मिस्टर अनुराग कश्यप, अदरवाइज आरपीआई विल स्टार्ट आवर एजिटेशन इन ऑल ओवर मुंबई। अनुराग कश्यपला कोण वाचवत आहे वगैरे असं काय आमचा आरोप नाही आहे, पण एवढा वेळ लागू नये। आमचं म्हणणं असं आहे की कुठल्याही महिलेवर असा बलात्कार झाला आणि तिनं कंप्लेंट केली, 2-3 दिवसामध्ये आरोपीला तो कुठे पळून गेला तरी त्याला ताबडतोब पकडण्याची पद्धती म्हणा किंवा तेवढी पोलिसांमध्ये हिंमत असते, पण या प्रकरणामध्ये 7 दिवस होत आले तरीसुद्धा अजूनही मॅजिस्ट्रेट समोर स्टेटमेंट पाहिलं जागे घेतलं नाही आहे। आणि अद्याप अनुराग कश्यपला अटक केलेली नाही, त्यामुळे थोडा वेळ जातो आहे असं आमचं म्हणणं आहे। आणि म्हणून आपण अनिल देशमुख यांच्याशी बोलणार आहे आणि कुणावर अन्याय करण्याची भूमिका आमची अजिबात नाही, अनुराग कश्यपवर अन्याय करण्याची भूमिका आमची अजिबात नाही, पण अनुराग कश्यप दोषी असेल आणि ज्या अर्थी पायल घोषने कंप्लेंट केलेली आहे त्या अर्थी तो दोषी आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई होणं अत्यंत आवश्यक आहे। मतलब अनिल देशमुख जी को पार्टी का डेपुटेशन हमारे अभिनंदन महते जी के नेतृत्व में मिलेगा और मैं भी एक पत्र दे दूंगा। और पुलिस थोड़ी सी बहुत स्लो इंक्वायरी कर रही है, या किसी की बाजू लेने का विषय नहीं है। पायल ने जब अपनी इज्जत दांव पे रखकर जब कंप्लेंट की है तो वो सही कंप्लेंट है ऐसा हमारा मानना है, और इसीलिए अनुराग कश्यप जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक डेपुटेशन हमारा 1-2 दिन में अनिल देशमुख जी को मिलेगा, उनको मेमोरेंडम देंगे, उसमें पायल की सुरक्षा की मांग की जाएगी, और सुरक्षा नहीं मिलेगी और उसका कुछ उल्टा सीधा होता है तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार होगी। इसी तरह का हमारा
और होगा तो इसी तरह मतलब अनिल देशमुख जी को हम दो दिन के अंदर मिलेंगे। सर क्या पायल के आए का बयान पे भरोसा नहीं है पुलिस को, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि पुलिस को भरोसा होता है, लेकिन ऐसे केस में मजिस्ट्रेट के सामने भी इसका स्टेटमेंट होता है। आज लेटर दे दिया है ये हमारे सातपुते जी, सातपुते जी इनके एडवोकेट है, वकील है और ये भी मतलब वहाँ पूरा काम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा देर हो रही है। अनुराग कश्यप जी मुंबई में है, वो कोई भाग कर नहीं गए हैं। अगर वो मुंबई में है तो उनको जल्दी मतलब अभी तक उनको स्टेटमेंट के लेने के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन अभी तक पुलिस ने नहीं बुलाया है। तो पुलिस क्यों देर कर रही है, ये मेरा पुलिस को सवाल है। पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है? अभी पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर है क्या नहीं मालूम नहीं है, लेकिन अभी जब हमारी सरकार आएगी तब हमको मालूम होगा। आठवले साहब, आज संजय राउत आणि देवेंद्र फडणवीसांची भेट झाली, संजय राउत आणि देवेंद्र फडणवीसांची, तुम्ही काहीतरी एक प्रस्ताव दिला आता थोडा पूर्वी बातमी चर्चेत, 50-50 काय प्रस्ताव आहे तुमचा? आता देवेंद्र फडणवीस आणि संजय राउत हे दोघे माझे चांगले मित्र आहेत आणि दोघांची भेट जवळजवळ 2 तास झाली अशा पद्धतीची माहिती मला आहे। पण दोघे म्हणतायत की आमची चर्चा पॉलिटिकल झालेली नाही आहे, की पॉलिटिकल हो की नाही हो, पण माझं शिवसेनेला नम्र निवेदन आहे की बाळासाहेब माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न साकार करायचं असेल तर पुन्हा एकदा शिवशक्ती भीमशक्ती एकत्र आली पाहिजे आणि भाजप शिवसेना आणि आरपीआय आपण एकत्र आलं पाहिजे। त्यामुळं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सरकारचा पाठिंबा शिवसेनेनं काढावा आणि BJP सोबत RPI सोबत यावं अशा पद्धतीचं आमचं त्यांना नम्र विनंती आहे। आणि जर कदाचित त्याच्यामध्ये दोघांची काही चर्चा झाली मला माहीत नाही आहे, पण चर्चा काही हो पण पुन्हा चर्चा सुरू व्हावी अशा पद्धतीची माझी इच्छा आहे। मतलब जिस तरह मतलब माननीय माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र के विधिमंडल के देवेंद्र फडणवीस जी को संजय राउत जी जो शिवसेना के प्रवक्ता भी है, नेता भी है और पत्रकार भी है, सामना के एडिटर भी है, और उन्होंने मतलब 2 घंटा तक उनके साथ बात की है, लेकिन दोनों भी नहीं मान्य कर रहे कि भाई हमारी पॉलिटिकल चर्चा हुई है। तो मेरा मानना है कि उनकी पॉलिटिकल चर्चा हो या सामाजिक चर्चा हो, लेकिन मेरा सुझाव ये है, प्रस्ताव ये है कि शिवसेना ने दोबारा मतलब BJP के साथ आना चाहिए और एक साल भर उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए, बाद वाले 3 साल जो है 3 साल देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और दिल्ली में भी मतलब 1 या 2 मंत्री पद उनको मिलने के बारे में भी चर्चा हो सकती है। मैं और सत्ता में अच्छी भागीदारी शिवसेना को मिलेगी और शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के चक्रव्यूह में नहीं अटकना चाहिए, उन्होंने हमारे साथ आना चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसा इसलिए हो रहा है, हमारी सरकार नहीं है, ये सरकार जो है ये सरकार मतलब ठीक नहीं चल रही है। सरकार कब गिर जाएगी मालूम नहीं है। मैंने बोला था कि गणेश उत्सव के बाद ही इसका विसर्जन होगा, लेकिन और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक बात है। सरकार का विसर्जन, आठवले साहब, सरकार का विसर्जन कधी पर्यंत तुम्हाला काय वाटतं? गणेश आता या दो नाही या सरकार विसर्जन कधी होणार याच्यासाठी मला देवेंद्र फडणवीस आणि संजय राऊतनं बोलावं लागेल। भेटणार आहात का? आता इकडे संजय राऊत देवेंद्र फडणवीसांना भेटल्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आणि ताबडतोब माननीय शरद पवार जी आणि हे यांना भेटले तर या आपल्या उद्धव माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजींना भेटले आणि उद्धवजींनी हेच सांगितलं की असं काही होणार नाही, सरकार आपलं 5 वर्ष टिकेल, सरकार तुमचं 5 वर्ष टिकेल की आमचं 5 वर्ष टिकेल बघूया, परंतु त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं जो प्रकार झालेला आहे
एक तर शिवसेना जर आमच्यासोबत आली नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला आमचं निमंत्रण आहे की शरद पवार आणि एनडीएमध्ये यावं. मी मागे एकदा म्हणालो होतो की महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, देशाच्या विकासासाठी, शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शरद पवार साहेबांनी असा निर्णय घ्यावा. आणि माझी आणि त्यांची दोस्ती एवढी आहे की मला इकडं करमत नाही आहे आणि त्यांना तिकडं करमत नाही आहे. त्यामुळं त्यांनी एनडीएमध्ये यावं आणि नरेंद्र मोदींच्या सोबत देशाच्या किसान शेतकऱ्यांचा विकास करण्यासाठी त्यांनी इकडे यावं अशा पद्धतीचं त्यांना आमचं निमंत्रण आहे. हा तो मतलब मेरा अगर शिवसेना हमारे साथ नहीं आती है तो हमारे सामने दूसरा भी पर्याय ये है कि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जिस राजित पवार जिस